अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच और कमेंट कीजिए। आज की रेसिपी में रमज़ान स्पेशल चिकन टिक्का बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने यहाँ 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, फूली हुई चना दाल 1 कप, प्रेशर कुकर में चिकन और चना दाल को डालेंगे। दो तेजपत्ता खुशबू के लिए, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 ग्लास पानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून डालकर मिला लें। और इसे 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगने देते हैं। चिकन अच्छे से गल गई है, इसमें थोड़ी भी पानी नहीं बची है। इसमें से तेजपत्ता हटा दें और इसे मिक्सी में बारीक पीस लें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून खड़ा धनिया, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 3 खड़ा लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, 1/2 टीस्पून सहजीरा लिया है। इसे पैन पर भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गई है, इसे मिक्सी में इसका पाउडर बना लेंगे। अब पीसी हुई चिकन में बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और भुनी हुई गरम मसाला ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। 1 टेबल स्पून तेल ऐड किया है और इसे अच्छे से मिला लें। और इसका टिक्का तैयार करेंगे, हाथों से दबाते हुए गोल शेप तैयार करेंगे। पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब एक कटोरी में 1 अंडा ऐड करके थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डालकर फेंट लें। पैन गरम हो गई है, इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल के अच्छे से पैन में तेल को फैला लें। हाथों को थोड़ा तेल से ग्रीस करेंगे और टिक्का को शेप देने के लिए हथेली से प्रेस करें और इसी तरह सभी टिक्का को तैयार करेंगे। अब फेटी हुई अंडे के घोल में टिक्का को डिप करें और पैन में रखते जाएं और इसे मीडियम फ्लेम पे सेकें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मेरी चिकन टिक्का बनके रेडी हो गई है। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पाइसी बनी है, इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इन माई YouTube चैनल।